हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 तरीके के व्रत वाले रायते। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एप्पल का रायता, आलू का रायता और कुकुम्बर का मतलब ककड़ी का रायता बनाया। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस हेल्दी सी रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर दही लिया है, एकदम ताज़ा दही लिया है मैंने। और अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले 1/4 छोटा चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, साथ ही में हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना, और नमक डाल देंगे। तो व्रत वाला नमक लिया है मैंने, 1/4 छोटा चम्मच डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ और इसी से तीनों रायते बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ पर 3-4 मिनट अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। देखिए एकदम परफेक्टली ये स्मूद हो गया है। तो इस तरीके का हमें इसको कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार चम्मच से, देखिए बिल्कुल क्रीम वाला जो टेक्सचर होता है वैसा आ गया है। अब चलिए अब आगे की स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल ले लिए हैं, इनमें हम ये दही ले लेंगे। तो तीनों में बराबर नहीं लेना है, ककड़ी वाले में मैं कम दही ले रही हूँ क्योंकि ककड़ी से जो है बहुत पानी रिलीज होता है, इसीलिए बाकी दोनों में मैं ज़्यादा ले रही हूँ दही। अब इनको हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले एक उबला हुआ आलू ले लेंगे छोटे साइज़ का, इसे हम बारीक कट कर लेंगे। तो ये आलू के रायते के लिए हो गया, जैसे कि मैंने 2 सीटी लगा करके उबाल कर ले लिया है। और हल्का गुनगुना है आलू, ठंडा आलू भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने आलू को कट करके ले लिया है। अब बारी आती है एप्पल की, तो एक छोटे साइज़ का एप्पल लिया है मैंने, इसे भी हम कट कर लेंगे। यदि आप चाहें तो एप्पल को छील कर कट कर सकते हैं, यदि आपको छिलका पसंद नहीं है तो। मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और धो लेने के बाद एप्पल को भी छोटे छोटे पीसेस में बारीक कट कर लिया है। तो सारे एप्पल को इसी तरीके से कट कर लिया है। ये एक पीस मैंने गार्निशिंग के लिए बचाया है। अब बारी आती है कुकुम्बर की, तो ये 1/2 कुकुम्बर लिया है, ककड़ी ली है मैंने। इसे टेस्ट कर लें, कड़वी तो नहीं है। और अब इस बारीक वाले ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है पानी रिलीज होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हमें हटाना नहीं है। तो ये पूरी ककड़ी को मैंने इस वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। तो अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब झटपट सा रायता बनाना शुरू करते हैं, इतनी ही तैयारी करनी है और रायता बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम 1 बाउल में ये उबले हुए आलू जो कट करके रखे हैं ये डाल देंगे, दूसरे वाले में हम एप्पल डाल देंगे। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, पर ये बहुत ही डिलीशियस लगता है इस तरीके से हम बनाएं तो। और 3rd बाउल में हम ये ग्रेट किया हुआ ककड़ी डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अब मैंने हरी मिर्च लिए, 1 हरी मिर्च लिए बारीक कट करके, इसे मैं कुकुम्बर में और आलू में डाल रही हूँ। एप्पल वाले में मैं हरी मिर्च और धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा अच्छा लगेगा, इसीलिए उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितनी शक्कर। आप शक्कर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। और यदि आप चाहें तो एप्पल वाले दही को पहले ही अलग निकाल लें, उसमें आप भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी ना डालें, सिर्फ नमक डालकर भी बना सकते हैं। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जितना पानी मैंने डाल दिया है, इसे मिक्स कर लिया। एकदम परफेक्टली हमारा कुकुम्बर का रायता ककड़ी का रायता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें घी में जीरे का तड़का लगाकर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, पर ये हेल्दी बना रहे हैं हम तो बिना इसमें किसी चीज़ का तड़का लगाए हुए ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ऊपर से हम इसे अब गार्निश कर लेंगे। तो ककड़ी के रायते को मैं कुछ बारीक कटे हुए ककड़ी के पीसेस से, एप्पल के रायते को एप्पल से और थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। और आलू के रायते में मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इन्हें गार्निश कर लीजिए। और ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल देंगे हम। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम परफेक्ट है और साथ ही में हेल्दी भी बहुत है। बस ध्यान रखें तुरंत ही सब्जियां कट करें, जो भी आप बना रहे हैं पहले से रखा हुआ ना लें, एकदम फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर।